पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, आज पाकिस्तान का पाकिस्तान के रिमेनिंग मैचेस जो से चार हैं। कल थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट हुआ है इंग्लैंड की हार से कि पाकिस्तान का एक मैच इंग्लैंड के साथ है, तो पाकिस्तान को वो ज़रूर जोंस है ना उनको हराना है। इस टाइम जोंस है सबसे टॉप पे बैठी हुई है इंडिया, उससे नीचे साउथ अफ्रीका, उससे नीचे न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान। अब अभी इस ये डिस्कशन तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज का मतलब कि मैच ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने चार के चार मैच जो है ना वो जीतने, लेकिन ये है कि अगले जो तीन मैचेस हैं पाकिस्तान के न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के साथ रह जाएगा। आज का मैच डू योर डाई है, डू और डाई मतलब, और सबसे ज़्यादा जो है ना जो ख़तरनाक टीम है टूर्नामेंट की, बेशक इंडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन साउथ अफ्रीका को हम अंडर रेट बिल्कुल नहीं कर सकते, इंडिया की टक्कर की टीम है, क्योंकि इनके 7 से 8 बैट्समैन हैं और मार्को जेंसन तक जो उनके फास्ट बॉलर हैं, उनके ऑलराउंडर, वो तक आकर ना, और तबरेज़ शमसी, केशव महाराज, वो तक आकर जो है ना बैटिंग करते हैं, इनके बहुत प्रॉपर इनके पास ऑलराउंडर हैं और सब है। तो आई डू और डाई वाली जो है ना एक पोजीशन में पाकिस्तान है, क्योंकि ये सबसे डेंजरस टीम है इस टाइम की, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इनको हराना बड़ी मतलब कि जिगरा चाहिए आज पाकिस्तान को। मतलब कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान आज का मैच हारता है तो फिर इफ़ एंड पट्स आ जाएंगी, और ऑस्ट्रेलिया रन रेट में जो उनकी 306 की जो जीत है नैदरलैंड के खिलाफ, तो वो तो नेट रन रेट पे अगर बात आई तो ऑस्ट्रेलिया को तो कोई पीछे नहीं हटा सकता, क्यों, और ऑस्ट्रेलिया ने जो उनसे पाकिस्तान को हराया भी हुआ है। तो अब ऐसा है कि ऐसा होना है कि पाकिस्तान ये मैच कैसे जीते। सबसे पहले तो अगर टॉस है हार गए तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर जीत गए, जैसे भी पिच कंडीशन है, पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। बाबर आजम ने पहले बैटिंग ही चूज़ करनी है, क्योंकि जो जब ऑन पेपर हम डाटा, यहाँ पर हम डाटा को ज़्यादा जो है ना फेवर कर देंगे कि जब आप के ऑन पेपर आपकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपकी टीम वीक है दूसरी टीम से, अगर आपकी ओपोजिशन टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले बैटिंग करेंगे, और आपको पता है कि पाकिस्तान पिच जो से बिल्कुल डेड भी हो, ड्यू भी गिरा हो, पाकिस्तान अंडर द लाइट्स नहीं चेस कर सकता। आपने ऑस्ट्रेलिया का देख ही लिया है कि पहले अगर कुछ ओवर्स हमारे जो से ओपनर्स ने अच्छे निकाल ही दिए, इमामुल हक और अब्दुल्ला शरीक ने, शफीक ने, तो बाद में अगर ड्यू गिरती भी कहते हैं उस दिन गिरी ही नहीं, उस दिन कहते हैं कि गिरी नहीं, तो अंडर द लाइट्स पाकिस्तान चेजिंग में कभी इतना जो सा ना अच्छा चेजर रहा ही नहीं। तो हमने तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, उसके बाद उम्मीद है और ख्वाहिश भी है कि फ़खर सुमान खेलें, लेकिन लगता बिल्कुल नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो चलो अगर फ़खर सुमान खेलें या इमामुल हक खेलें, पावर जो प्ले है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए, उसमें प्रॉपर हिटिंग की जाए एक एंड से, या अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक या फ़खर सुमान, जो भी हमारे ओपनर खेल रहे हैं, वो ये नहीं कि दोनों एंड से डॉट्स ही खेली जाए, मतलब कि उनको एग्रेसिव क्रिकेट, एग्जांपल के तौर पे रोहित शर्मा को फॉलो कर, जिस तरह मैं उनका कह रही हूँ कि उनकी तरह का अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा हमारे ओपनर्स को, पहली बात। उसके बाद पिच का बिहेवियर चेंज ज़रूर होगा, बेशक जितनी मर्जी बैटिंग पिच हो, ऑस्ट्रेलिया ने जिन पिचेस पे 400 भी लगा है ना, तो इनिंग में ऐसी जो है ना सिचुएशन ज़रूर आई है उन पिचेस पे कि आपको स्लो और खेलना पड़ा है और पेशेंस से खेलना पड़ा है, इसलिए अगर हम डॉट्स खेल भी रहे हैं तो उनको प्रॉपर कवर किया जाए और अपनी विकेट इन हैंड रखें, शुरू में अग्रेसिव खेलें और फिर ये नहीं है कि कोलैप्स हो जाएं, थोड़ा पेशेंस से खेलें, स्टे करें विकेट पे, और वो आप हिट नहीं कर सक रहे बाउंड्री, आप टाइम नहीं हो रही बॉल आपसे, तो आप इनको चाहिए कि स्ट्राइक रोटेशन, सबसे ओडीआई की जीत आप T20 में भी ज़रूरी है, हर फॉर्मेट में आपको मैं बताऊं कि स्ट्राइक रोटेशन बहुत अहम है, बेशक आप टेस्ट मैच भी करें, हर बॉल को आप ग्राउंड से बाहर नहीं फेंक सकते, हर बॉल को आप बाउंड्री नहीं लगा सकते, स्ट्राइक रोटेशन मेजर फैक्ट है आपका
आप ओडीआई क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट में मैच को जीतने के लिए एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाने के लिए, ठीक है। और आप अगर देखें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो विराट कोहली और दूसरे प्लेयर्स, उनकी स्ट्राइक रोटेशन ही जो सा उनका पहले मेजर उनका जो सा फोकस होता है, वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाते हैं कि 15 पहले वो 15 रन का रखते हैं, फिर 15 को कन्वर्ट करके 25 करेंगे, 25 से फिर 35, और फिर जब वो थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, कंडीशन को समझ लेते हैं, थोड़े रिलैक्स होते हैं, तो फिर वो बीच में बाउंड्रीज लगाना शुरू करते हैं। तो माइलस्टोन्स इनको रखने पड़ेंगे ज़रूर हमारे, और ख़ुसूसी तौर पे स्ट्राइक रोटेशन। लेकिन सदियों से पाकिस्तान का मसला, जब आज जो सारे एनालिस्ट बैठे हुए हैं ख़ुसूसी तौर पे मिसबाउल हक, ठीक है ना, माशाल्लाह यूनस खान, जो वो और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, तो वो सारे ना थका लगा कर बैठ जाते थे। मोहम्मद हफीज़ जो प्रोफेसर हैं, तो ये सारे थका लगा कर बैठ जाते थे। 2015 का वर्ल्ड कप उठा कर आप देख लें कि क्या क्या हालात होते थे जॉनसन, और 2011 का देख लें कि डॉट्स खेल खेल के इन लोगों ने एंड पे विकेट्स इन हैंड रही और बॉल्स ही नहीं रही थी। तो स्ट्राइक रोटेशन जॉनसन मेजर जॉनसन ना एक वो फैक्ट है, और उसको मतलब कि वो मेजर फीचर है कि आप किसी भी अच्छा टारगेट जब बोर्ड पर लगा सकें, हर बॉल को आप हिट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप डॉट्स खेल ही रहे हैं, तो आपके जो नीचे के बैट्समैन हैं अगर उनका नंबर थोड़ा चेंज करना पड़ता है, जैसे अगर आज नवाज़ खेल रहे हैं और डॉट्स ज़्यादा खेल चुके हैं, हमारी टीम अगर स्लो रन रेट है तो उनको ऊपर प्रमोट ज़रूर करें, शफल ज़रूर करें, या इफ्तिखार को। बाकी ये इन बैट्समैन को, क्योंकि आपको पता है पहले 6 बैट्समैन आप देखें वहाँ से, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साउथ शकील, ये 5 बैट्समैन वो हैं जो बहुत ज़रा टाइम लेते हैं। तो इधर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इफ्तिखार को, अगर नवाज़ खेल रहे हैं उनको, और शादाब खान को, और एंड से टेल से शहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को भी, कि वो आकर जब देखें कि स्लो रन रेट है तो डेथ ओवर्स में प्रॉपर अटैक करें। ये नहीं है, आप देखें ये मेजर है। मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीकन टीम को हम अगर उनका देखें, वो पहले 10 ओवर में उनका 4 से 5 का एवरेज रहता है, विकेट इन हैंड रखते हैं, उसके बाद वो डेथ ओवर में मतलब कि एक इंसेन जोन सा ना एक हद होती है, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं एवरेज को, आसमान से लगा देते हैं वो इतनी वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट, और इतना वो डेथ ओवर्स को, इतनी मिडल ओवर्स को भी और डेथ ओवर्स को भी इतने अच्छे से जोन सा यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है वो थ्रू आउट द इनिंग स्लो ही रहते हैं। आज ही इसको देखना पड़ेगा, आज ऐसा नहीं, अगर मैच आपने जीतना है। उसके बाद वही बात है कि जब बॉलिंग करने आए, बाबर आजम को चाहिए कि वो बहुत जोन सा ना कंडीशंस के हिसाब से देखें, आवर टू आवर पिच को रीड करें, यानी कि पहले एक दिन पहले जो प्लान बनाए कि इस 40 से 50 में ये आ जाएगा, 1 से 10 का स्पेल ये कर लेगा, इसमें ये आ जाएगा, जो पुराना वाइस विरसा लेकर नहीं चल सकते। आपको ऑन द स्पॉट आप देखेंगे इसको मार लग रही है, मैं इसको थोड़ा चेंज करेंगे, उनके थोड़े राउंड द विकेट लेके आए, अगर सारे बॉलर्स को पिटने लग गए उनकी थोड़ा सा वो जो वेरिएशंस हैं उनको चेंज कराएं, ये कैप्टन की सारी ड्यूटी होती है। वो तो बॉलर्स को भी अब काफ़ी जो है हमारे ये तो पुराने हो गए शाहीन और हारिस रऊफ, लेकिन उनको आपने अगर शाहीन अगर हारिस रऊफ को मार शुरू हो गया है तो आपको पता है कि वो दूसरे स्पेल में उन्हें मिलती है स्विंग, उन्हें सब कुछ मिलता है, रिवर्स स्विंग भी मिल रही थी उस दिन। अफगानिस्तान ने गेन क्यों किया था कॉन्फिडेंस कि उनको जो है उनके प्लेयर्स जो है वो उन्होंने हारिस रऊफ को सही खूब जो है बाउंड्रीज 4-4-5 में 24 रन एक ओवर में जो है पड़ गए थे हारिस रऊफ को, तो उधर से ही उन्होंने ऐसा को मोमेंटम गेन किया कि फिर उन्होंने सबको ही फिर तड़का लगाया। तो आपने ये करना है कि और ये सारा मेरा एनालिसिस है, आप मेरी दूसरी वीडियोज भी देख लें, और अगर मैं कहीं पर गलती करूँ तो आप ज़रूर मुझे कॉमेंट में जो है मेरी इस गलती को ज़रूर आप कह सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी टीम ये इन प्रॉब्लम से गुजर रही है। उसके बाद जो है बस वही है कि स्पिनर्स, अब हमारे पास पूरा अटैक है,
आप देख लें कल मोइन अली, आदिल रशीद, कितने बड़े स्पिनर्स हैं, मतलब कि शादाब और नवाज़ या उसामा मीर, उनसे तो बहुत ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस हैं, बहुत वो प्रॉपर ऑलराउंडर उनको कहा जाता है। मोइन अली और आदिल रशीद ने कितने ही मैचेस इनको जिताए हैं, क्या अपनी बॉलिंग से, क्या अपनी बैटिंग से, एंड से वो बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर लेते हैं, कितना उनको मार लगी है, वो नहीं ले सके। बात सारी ये है क्यों, और अभी इन दोनों का आईपीएल की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे शादाब, नवाज़ या उसामा मीर, इन बेचारों ने कौन सा मैच इनको इंडिया में मिल गया, ये तो कभी गए ही नहीं। तो आप हम आप ये ना सोचें एशियन कंडीशन सेम होती हैं, आप खाली अपने मुल्क का, जो हमारे कंट्री पाकिस्तान में इस रावलपिंडी की और पिच है, लाहौर की और पिच है, कराची की और पिच है, सेम मतलब कि आपस में ही हमारे ये जो मौसम, अगर जब वेदर चेंज होता है तो इनकी कंडीशंस बदल जाती हैं, तो वो तो इंडिया है और उनकी क्वालिटी, उनकी चीज़ें हमसे बहुत अलग हैं। तो फिर भी देखें कि इतने इतने बड़े बॉलर्स जो हैं वो मार खा जाते हैं। राशिद खान कितने ज़बरदस्त बॉलर हैं, वो जैम्पा को देखें, इन सब के आईपीएल के, लिविंगस्टोन देखें, इन सब के आईपीएल के जो है ना बहुत ज़्यादा तजर्बे हैं, ये एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, ये भी जो है वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यही है कि ये थोड़ा सा हमें सब्र से देखना पड़ेगा और उनको यूज़ करना, यूटिलाइज करना कि भाई इस टाइम पे ये कर लें। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जो मैच था, पहले वो ऑस्ट्रेलिया बड़े, वो श्रीलंका बड़ा स्मूथ जा रहा था, जब वहाँ पर थोड़ी बारिश हुई, वो डिले हुआ मैच, उसके बाद एडम जाम्पा ने जो है, और उस दिन से उन्होंने ऐसी फॉर्म पकड़ी एडम जाम्पा ने कि वो पाकिस्तान को भी फिर ले बैठे और आगे नेदरलैंड्स को भी वो ले बैठे। तो ये है कि थोड़ा हमें बाबर को थोड़ा सा अपना मतलब कि, और ज़रूर उनको चाहिए कि जो कैप्टन है शादाब खान, रिजवान, क्योंकि टीम में सीनियर्स यही हैं, इफ्तिखार अहमद ने डोमेस्टिक बहुत खेला है, तो उनसे थोड़ा ज़रूर वो एडवाइस या ऐसे सजेशन उनसे लिया करें, थोड़ा अगर एकदम जेल होके ज़रा जब किसी को मार लगती है तो थोड़ा प्रेशर डाला करें, मोमेंटम टूटता है इस चीज़ से। तो बाकी दूसरी ये बात है कि आज पुअर फील्डिंग की जो है ना, कोई चांस नहीं, कोई कैच आप नहीं गिरा सकते। उस दिन आप देखें कि कुछ तो जो है वो अफगानिस्तान ने भी अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन हमारी तरफ से और बहुत बातें आ रही हैं, वो तो करनी नहीं चाहिए, कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में बड़ा कुछ आ रहा है, एटमोसफेयर के बारे में, तो मतलब कि आप प्लेयर्स को आज सबसे पहले पाकिस्तान को रख कर देखना चाहिए और पाकिस्तान की इज्जत का सोचना चाहिए, क्योंकि और ये यहाँ पे डबल ये मसला है कि हम इंडिया में गए हुए और आप लोगों को हमारे जो है वो पता ही है कि उनके साथ हमारे किस किस्म के रिलेशनशिप हैं, तो फिर आप जो है ना इस चीज़ का ख्याल करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी रखें तो कि जीतेंगे हम, और अभी हम टूर्नामेंट के अंदर ही हैं, बहुत सारे मैं ट्विटर पर स्पेसिस सुन रही हूँ, फेसबुक पे पोस्ट आ रही है, और के जी अब तो एक वो इस तरह ट्रीट कर रहे प्लेयर्स को, हमारे अपने बोर्ड ने एक जो सा बहुत ही खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो प्रेस रिलीज कल की है। तो अभी हमारी टीम टूर्नामेंट में आखिरी बॉल तक आप ना, अभी अगर खुदा ना खासा आज पाकिस्तान हार भी गया तो अभी आप उम्मीद ना छोड़ें, इफ़ और बट्स में आ जाएगा तो उम्मीद अच्छी रखें, लेकिन दुआ करें आज हम जीते अपना, और ये इस टूर्नामेंट की बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और अगर इनको हमने आज हरा दिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जो सा है मोमेंटम हम गेन कर लेंगे, और एक दफ़ा मोमेंटम गेन हो गया, कॉन्फिडेंस गेन कर गए बाबर आजम, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो बस ये है, स्लो नंबर वन अग्रेसिव, टॉस जीत के बैटिंग, स्लो रन रेट नहीं, स्ट्राइक रोटेशन ज़रूर करें, थोड़ा एग्रेसिव खेलना है, विकेट्स इन हैंड रखें लेकिन स्ट्राइक रोटेशन करें, एंड से प्रॉपर पावर हिटिंग की जाए, शादाब नवाज़ अगर हम चार चार बाउंड्रीज भी लगा लें या तीन तीन भी लगा लें तो वो है। और वैसे आपको मुबारक हो, बाबर आजम टॉस जीत गए, चलें फिर हम मैच के बाद मिलेंगे।